अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं सुबह एकेडमी से आके सोया हुआ था तो बड़ी नींद आ रही है मुझे, तो अभी भी नींद आ रही है। चलें फिर कुछ करने से पहले फ्रेश हो लेते हैं। ये बेसन देखें, ठीक है, इसलिए यहाँ से तो मुँह नहीं मिलेगा, अंदर से धो लेते हैं। अभी अम्मी जी ने जगाया है तो कहा है कि चलो डेरे चले जाओ, उधर अबू जी के साथ कोई काम करवाओ, तो चलते हैं फिर उधर जो काम होगा फिर वही करेंगे। घर में कोई नहीं था इसलिए मैंने कहा चलें दरवाजा बंद कर जाता हूँ, मम्मी जी जगा के तो चली गई थी, चलें डेरे चलते हैं फिर। अभी ये रास्ता है सारा हमारे डेरे को, डेरे जा रहे हैं अभी। ये इधर से रास्ता थोड़ा ख़राब है तो गाड़ी आस्ते आस्ते चलानी पड़ती है। ये देखें ना, वो डेरा हमारा थोड़ी दूर है, पहुंचने वाले हैं बस। ले जी, ये हमारा डेरा आ गया, अभी डेरे पहुंच गए हैं हम। तो डेरे पहुंच गए हैं, तो अभी अबू जी ने काम दिया है कि बन्नों पे थोड़ा थोड़ा घास है तो वो काट दो, चलें फिर तैयारी करते हैं इसकी भी। जूता उतार लिया अभी, जूता रखते हैं साइड पे और इधर से बनने से घास काटते हैं। ये पहले इधर से थोड़ा थोड़ा काटा हुआ है वो आ गया है, वो उसको काटते हैं। ये देखें मूंजी की फसल भी अभी बस थोड़ी देर ही है पकने में, अच्छी खासी हो गई है। बिस्मिल्लाह, ये इधर से काटते हैं, अगर इनको साफ कर देंगे ना तो ये इसको काटने से ये फसल की, ये धान की साइड से सफाई हो जाएगी तो फसल फिर ज़्यादा होगी, इसलिए थोड़ी थोड़ी इसकी रोज़ाना सफाई करते रहेंगे ना तो ये फिर फसल बाद में अच्छी होगी।
कट है, थोड़ा सा मैं छोड़ा है अभी, थोड़ा सा ही अबू जी ने कहा बस कर दो, तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा देखता हूँ, इंजॉय करता हूँ और थोड़ा काट कूट लेता हूँ, थोड़ा कोई इधर कहते हैं इसको पंजाबी में, वो निकाल लेता हूँ थोड़ा। ये होगा तो फसल कैसे होगी? ये देखें अगर ये होगा तो फिर हमारी फसल कैसे होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा इसे इनको निकाल दूँ। ये देखें इतना भारी है, इसने इतनी सारी फसल को खराब कर देना है। और देखते हैं अभी तो, और मुझे और देखने पड़ेंगे। ये इधर देखिए, आज मैंने इसकी सारी सफाई कर दी है, तो आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और लाइक और शेयर और आगे कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।